हिमाचल कांग्रेस की सरकार पर मंडराता खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। बागी विधायकों से खुद विक्रमादित्य सिंह मिलने पहुंचे। बागी विधायकों के संपर्क में कई और विधायक भी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तो पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ कर साफ संकेत दे दिए कि कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए और अब बीजेपी के साथ ही आगे की सियासत होगी। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम जयराम सिंह ठाकुर ने अपनी तरफ से प्रतिभा सिंह को सकारात्मक संकेत दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा का कामकाज हमसे बेहतर है। लोकसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सांसद के तौर पर मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा बार बार किया और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। ये सच है कि भाजपा की कार्यप्रणाली हमसे बेहतर है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन से ही मुख्यमंत्री से कह रही थी कि हम आगामी चुनाव का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब वह संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति है। हम जमीनी स्तर पर बहुत सारी कठिनाइयों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार भाजपा बहुत कुछ करने जा रही है। हम वहां कमजोर स्थिति में हैं और उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें मजबूत होने की आवश्यकता है और पार्टी को संगठित करने की जरूरत। मैं कह सकती हूं कि ये एक कठिन समय है, फिर भी हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने लिए अब सभी प्रयास कर रही हूं। ये पूछने पर कि क्या अयोग्य ठहराए जाने पर कांग्रेस के विधायकों से मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल वो कड़ी सुरक्षा में हैं, इसलिए उनसे मिलना आसान नहीं है। मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रही हूं क्योंकि उनके फोन स्विच ऑफ हैं और इलाके को घेर लिया गया है। आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते, ये सब कुछ आसान नहीं है। देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का दावा है कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। भाजपा नेता जयराम सिंह ठाकुर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस मुखिया प्रतिभा सिंह को जलालत के दौर से बाहर आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, जब राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, जब प्रियंका नहीं सुन रही थी, आखिरकार हमने सुन लिया और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा एक नहीं कई दिनों से थी। उन्होंने विधानसभा के कई सदस्यों के नाराज होने का भी दावा किया और कहा कि कुछ सदस्यों को इन लोगों से डरा के रखा गया है, दबा के रखा गया है, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चलेगा। प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत के दौर आपके साथ इतने दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, आपको इससे बाहर आना चाहिए, आप हिम्मत कीजिए। उन्होंने सिंह का साथ देने पर कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार न पहले सेफ थी न आज। उन्होंने कहा कि ये कभी भी गिर सकती है, आप रात को सो जाएंगे, सुबह देखेंगे कि सरकार गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।